सो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो का जो ट्रेलर है वो दिखा लेते हैं। गाइज, कुछ दिन पहले मैंने ये शॉर्ट वीडियो डाला था तो जिस पर काफी लोगों के कमेंट्स आए कि भाई आपने इसके अंदर कौन से स्पीकर है वो यूज किए हैं। तो फाइनली आज हमें टाइम मिला है इस पर पूरा का पूरा वीडियो बनाने का। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अहूजा का 1000 वाट का स्पीकर, यानी अहूजा का L18SW1000 जो 18 इंची का 1000 वाट के पावर के अंदर स्पीकर है और अहूजा के बेस सीरीज के अंदर सबसे फेमस स्पीकर है बोल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस स्पीकर का फुल रिव्यू करेंगे। अगर आपके मन में ये है कि अगर आप ये स्पीकर लेना चाहते हैं और आपको थोड़ा कंफ्यूज है कि लूं या फिर नहीं लूं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि इस स्पीकर को लेना है या फिर नहीं लेना है। ये आपका डीजे के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस स्पीकर का सिलेक्शन करना है या नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में इस स्पीकर के अनबॉक्सिंग से लगा करके इसके कैबिनेट, इसका ओवरव्यू, इसके ऊपर किस टाइप की एम्पलीफायर यूज करनी है और इसकी साउंड की टेस्टिंग तक का वीडियो रहेगा। उसके अलावा इसकी प्राइसिंग क्या रहती है, ओरिजिनल की क्या रहती है पैसा, वो सारा का सारा इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये इसकी रहती है पैकेजिंग। तो फटाफट से मैं स्पीकर को है वो बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर कार्टून की पैकेजिंग की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, डबल कार्टून यूज किया गया है जो मुझे सबसे बेटर लगा इसके अंदर। और यहाँ से हम स्पीकर को बाहर निकाल लेते हैं। हमारे स्पीकर का बैक लुक, यहाँ पर फ्रेंड्स इसके अंदर हमें मैग्नेट की बात करें तो फेराइट का 4 लेयर का मैग्नेट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। वाइट टर्मिनल देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें इसके बैक लुकिंग की तो यहाँ पर फ्रेंड्स बीच में आपको बड़ा सा हीट सिंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप इसके और हीट सिंक यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स इसके फ्रंट से यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो कोन है वो अहूजा का सबसे हैवी कोन है, यानी बेस के स्पीकर के अंदर अहूजा के जो भी मॉडल है उस सभी मॉडल्स में से इस बेस के स्पीकर यानी 1000 वाट के अंदर जो कॉर्न यूज किया गया है, जो हैवी कॉर्न है और काफी स्ट्रॉन्ग कॉर्न यूज किया गया है, यानी ये बेस जहां पर भी बजता है वहां पर फ्रेंड्स आपको एक रियल पंच है वो फील इस बेस से हमें मिलता है। यानी आपको बाकी के अंदर सिर्फ सुनने को मिलता होगा पंच की पंच आ रहा है, लेकिन इसका बेस का पंच है वो आप रियल में फील कर सकते हो। यानी आप फ्रेंड्स जो बोलते हैं ना कि डीजे बजता है तो धरती हिलती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर ये बेस कहीं पर चलता है, इसके 4 पीस या 8 पीस चलते हैं तो वहां पर फ्रेंड्स वाकई में धरती हिलेगी भी, क्योंकि इस बेस का जो पंच है वो काफी स्ट्रांग है। यानी आपको जो सीधे के सीधे हार्ट पर अटैक करने वाला इसका पंच रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कौन है कुछ इस क्वालिटी का यूज किया गया। तो यार आप देख सकते हैं स्पीकर को काफी तगड़े से जंप भी कराता है। यहाँ पर आप इसकी स्पाइडर देख सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसके स्पाइडर देख सकते हो, जो सिलिकॉन स्पाइडर देखने को मिल जाता है।
यहाँ पर आप इस स्पीकर की फिनिशिंग देख सकते हो, तो काफ़ी स्मूथली देखने को मिल जाती है और इस स्पीकर का यहाँ पर काफ़ी गैप भी देखने को मिल जाता। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारा ये सेटअप है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कैबिनेट की बात करें तो इसके लिए जो कैबिनेट है वो RC मॉडल में रहने वाले हैं, ब्रिजवुड की प्लाई के अंदर, और ये रहते हैं कॉर्ड बेस के डिजाइन। उसके अलावा मिड और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए दो टॉप यूज किए हैं और इसके एम्पलीफायर है AUZA की LX6000 एम्पलीफायर है जिस पर हम दोनों बेस चलाने वाले हैं। उसके अलावा हमारी एक डायनाटेक की एम्पलीफायर है जो 4000 वाट की है और इस पर हम दोनों टॉप चलाने वाले हैं। हम देख लेते हैं इसका पूरे सेटअप का कनेक्शन है। तो यहाँ पर हमारे हम दो बेस चलाने वाले और इस पर चलाने वाले टॉप। तो यहाँ अब सबसे पहले मैं आपको टॉप की आवाज सुना लेता हूँ। यहाँ से बेस की पूरी कर देता हूँ बंद। ये हमारे दोनों टॉप की आवाज। अब बेस चेक कर लेते हैं। इस सेटअप का टेस्टिंग सुन के आपको मजा आ गया होगा। काफी अच्छा साउंड का प्रेशर आ रहा था, यानी कि अगर मैं आपको दिखाने के लिए इस बेस के आगे जस्ट आगे अगर पानी या फिर कोई ऐसी वस्तु रखूं जो हल्की हो तो उसको ये अच्छे से वाइब्रेट करा सकता है, जैसे हमने काफी सारे वीडियो में देखा होगा किसी के। लेकिन मैंने अच्छा कुछ नहीं किया, इस बेस से लगभग 20 फीट दूर मैंने अपना कैमरा लगाया हुआ था और इसका पंच इतना प्रेशर के साथ में था कि उसका कैमरा खुद वाइब्रेट कर रहा था 20 फीट की दूरी पर। और यहाँ पर मैंने जो स्पीकर यूज किए ओनली 4, यानी एक पेयर था डुअल बेस का। यही अगर हम 4 बेस या फिर 6 बेस कर दे तो इसका साउंड का प्रेशर कितना होगा आप खुद इसका आइडिया लगा सकते हैं। अगर इस स्पीकर के बात करें तो ओवरऑल ये हमारा गुड स्पीकर है बेस के लिए। राजस्थान में AUZA का ये सबसे नंबर 1 पर स्पीकर आता है। जो हम पिकअप डीजे को देख ले तो वो ज्यादातर इसी स्पीकर को यूज करता है। AUZA का जो 1300 वाट का स्पीकर है उससे भी ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसका पंच है वो ज्यादा है उस स्पीकर के मुकाबले में। तो ये फ्रेंड्स रहता है हमारे इस स्पीकर की साउंड टेस्टिंग, इसके अनबॉक्सिंग। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको AUZA के ऑथराइज डीलर से ही इसको परचेज करना है और इसका आपको ओरिजिनल के लिए AUZA का होलोग्राम देखकर इसको परचेज करना है। तो ये रहता फ्रेंड्स हमारा ओवरऑल स्पीकर। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो गाइस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसके प्राइस का चेकआउट कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स आप अदर ब्रांड के स्पीकर को लेना चाहोगे तो आप 2000 वाट का स्पीकर है वो ले पाओगे इस एक स्पीकर के रेट के,
क्योंकि इसकी रेट है वो थोड़ी आपको हाई देखने को मिल जाती है, लेकिन कंपैरिजन के अंदर आपको इसका साउंड है वो बेटर मिलेगा, क्योंकि ये एक ट्रू पावर के ऊपर है। यानी आहूजा ने जितना इसको बोला है 1000 वाट का, ये आपको 1000 वाट का निकाल कर भी देती है। किसी के स्पीकर पर मेंशन करने से उसकी पावर रेटिंग का पता नहीं चलता है। मैं किसी एकल ब्रांड्स का नहीं कह रहा हूँ, मार्केट के अंदर ऐसे स्पीकर्स होते हैं, लेकिन इस स्पीकर का जो ट्रू पावर 1000 वाट का है, और ये बिल्कुल आपको 1000 वाट का पावर रेटिंग देता भी है, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा प्राइस में आपको महंगा पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्पीकर से रिलेटेड की परचेज करना है या नहीं करना। तो बस ये था हमारा स्पीकर, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे लिए किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।